हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं, कल आपका जैसा कि SGPGI का एग्ज़ाम है तो उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सबको ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। सबकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, नहीं भी होगी तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबराओगे तो आपका पेपर ख़राब हो सकता है। आपको शांत रहना है, काम रहना है, कूल रहना है और फिर आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम में आपको पहले सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, रीड करना है सबसे पहले। कहीं पे भी आपको नोट एक्सेप्ट और ये जो एंड वाली चीज़ें हैं इनको आपको ध्यान में रहनी ध्यान देना है इसके ऊपर, और आपको अच्छे से फोकस करना है। ये चीज़ें आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, इनको आपको ध्यान से देखना है फिर ही आपको आंसर करना है। और चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। अब कल आपका एग्ज़ाम है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आप अगर पढ़ना या तो पढ़ाई मत करो, अगर पढ़ना भी चाहो तो आप सिर्फ जो आपकी वैल्यू वाली चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखो, जैसे कहने लगा कि साइज़ एंड कलर, जो ऑक्सीजन फ्लो मीटर वगैरह है, इन चीज़ों के ऊपर आप थोड़ा सा एक बार रख सकते हो। बाकी आपको अभी कॉन्सेप्ट कुछ भी आपको क्लियर नहीं करना है, ऐसे में आपका और कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ों को साइड में रख देना, हम उसके बारे में हम बाद में बातें करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, इसमें आपके 60 जो है नर्सिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं और 40 नॉन नर्सिंग के आने वाले हैं। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो आपको 60 क्वेश्चन पर ध्यान देना ही है, साथ में 40 क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है। 40 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको गलत नहीं करना है, जितना हो सके आपको सही आंसर करना है। यहाँ पर आपको जैसा कि पता है नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको जितना हो सके आपको राइट क्वेश्चनिंग करनी है, जितना आपको आए। देखो, आपको क्वेश्चन जो जो आपको आंसर आ रहे हैं वो आप कर लो, जो रिमार्क में डाल दो, बाकी जो समझ में नहीं आए हो तो उनको आप दोबारा से चेक कर लेना। लेकिन आपको गलत पे ध्यान देना कि गलत नहीं करना है, जितना हो सके आपको सही करना है। तुक्के में आपको कुछ नहीं हो सकता, तुक्के में आपका नुकसान हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो तुक्के वाली चीज़ें को आप मत करो। तुक्का भी लगाओ तो भी वहाँ लगाओ जब आपका 50-50 हो, दो ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो तो वहाँ आप थोड़ा सा ले सकते हो रिस्क। वो भी आपका, अगर आपको लगता है कि एक क्वेश्चन में मेरा 55% और एक में 45%, तब भी नहीं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करने हैं जिनमें आपको लग रहा है कि मेरा इसमें नेगेटिव जा सकता है। तो ये आपकी चीज़ें थी, बाकी हम पढ़ते रहेंगे। थोड़ा मैं कुछ दिनों से बिजी था तो मेरा वीडियो नहीं आया था, अभी हम कंटिन्यू रखेंगे। ये आपके एग्ज़ाम हो जाए आपका, उसके बाद में हम कंटिन्यू रखेंगे। धीरे धीरे हम सब कुछ पढ़ेंगे, जैसा कि हमने RML की क्लासेस ली थी, RML के मॉडल पेपर भी बनाए थे, तो उससे बहुत बेनिफिट मिला। आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया, आपने बताया कि सर इतने इतने हमारे क्वेश्चन आए हैं, बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा, तो आप देख के अच्छा लगा। तो आप सब लोग बने रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।